मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर हाल ही में उनके प्यारे से बेटे अभिषेक बच्चन ने जो स्टेटमेंट दिए वो सुनकर आपको भी झटका लगेगा, क्योंकि कपिल शर्मा भी हैरान रह गए। द कपिल शर्मा शो में अभिषेक और अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म द बिग बुल के प्रमोशन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातें शेयर की। इसके अलावा उन्होंने कई जानकारी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी दी। जी हाँ, अजय देवगन के बैनर तले अजय देवगन फिल्म्स की बैनर तले बनने वाली फिल्म द बिग बुल में इंस्पायर्ड है कहानी फेमस स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की, जिसे अभिषेक बच्चन प्ले करने वाले हैं। खैर, फिल्म को अगस्त के महीने में रिलीज लास्ट ईयर करना था, लेकिन पॉसिबल ना हो सका। ऐसे में अभिषेक बच्चन ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिए हैं, इस चैट शो में इसकी हम बात करेंगे। अभिषेक बच्चन ने कहा, जब अगस्त के महीने में लास्ट ईयर वो COVID-19 का संक्रमण में आने के बाद हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, तो उन्होंने याद किया था, डॉक्टर्स ने पहले अमिताभ बच्चन को बुलाया हॉस्पिटल, और COVID-19 के संक्रमण में आए हैं वो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि वही नेक्स्ट थे जो कि पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उस वक्त वो काफ़ी घबराए हुए थे बाकी परिवार मेंबर को लेकर। अजय देवगन ने कॉल कर उन्हें काफ़ी डांटा था। अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी किसी को। अभिषेक बच्चन ने बताया था फोन पर कि सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की वजह से COVID-19 के संक्रमण में आए। ये बात अभिषेक ने कहा कि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन ले, क्योंकि अमिताभ बच्चन की वजह से ऐश्वर्या आराध्या, अभिषेक भी और खुद अमिताभ बच्चन भी इस बीमारी की चपेट में आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।